हेलो गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 5 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक सेशन होता है 12-15 मिनट का, जिसके अंदर हम लोग कवर करते हैं बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल 12 से 15 जो कि हमारे अखबार में से होते हैं, है ना, और हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, ठीक है गाइस। और कल वाला जो 8 बजे वाला सेशन है, मैं आपको बता देता हूँ कि वो मैंने कल 12 बजे करवा दिया था, है ना। कई सारे बच्चों को पता नहीं है, लेकिन मैंने 12 बजे क्लास कर दी थी कल सुबह 8 बजे वाली। ओके, आज 8 बजे क्लास है, बिंदास है, ज्वाइन कर लेना। 24 तारीख हो चुकी है दोस्तों, महीना निकलने वाला है और उम्मीद करता हूं इस महीने को आपने अच्छे तरीके से यूटिलाइज है जो कि किया। ठीक है, एक बार मुझे जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वर्ल्ड राइनो डे को लेकर। वर्ल्ड राइनो डे दोस्तों 22 सितंबर को मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी ये आपको बताना था। तो राइनो डे की बात करें गाइस, तो आंसर हो जाएगा 2011 के अंदर इसकी शुरुआत है जो कि करी गई थी। तो ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है गाइस। और आप देख सकते हैं अवेयरनेस को लेकर दोस्तों, कल परसों हमने, परसों के दिन हमारी सरकार ने 2500 राइनो के जो सींग होते हैं ना वो भी जलाए, ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि वो माइथोलॉजिकल होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस या फिर फेक है ना, उसको लेकर। तो आपको मालूम है राइनो के जो बहुत सारे माइथोलॉजी जुड़ी हुई है। ओके गाइस, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड साउथ अफ्रीका ने अनाउंस किया था स्पेशल डे 22 सितंबर को 2010 के अंदर, ठीक है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा राइनोज हमारे यहाँ पर ही पाए जाते हैं। थीम रखी गई है कीप द फाइव अलाइव, क्योंकि 5 स्पीशीज है राइनो के, चारों की हालत खराब है, हमारा वाला फिर भी ठीक है, वल्नरेबल वाले कैटेगरी के अंदर हमारा पहुंच चुका है। साथ में गाइज, आज है लास्ट डे SSC के अंदर आपको 15% ऑफ का, तो ज्वाइन कर लेना। 15% ऑफ की बात करें तो आज आपको लास्ट डे 24 तारीख को मिलेगा, उसके अलावा 10% एक्स्ट्रा और मिलेगा अगर आप BHU 10 या BUNESH 10 काम में लेते हैं। तो आपको UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC किसी भी एग्जाम के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। रेफरल कोड को आप देख सकते हैं 15% दोस्तों प्राइसेस जो है आपकी डाउन है, और उसके बाद रेफरल कोड लगाओगे तो 10% और एक्स्ट्रा है जो कि आपको मिल जाएगा। ये वापस पता नहीं कब आएगा ऑफर, ज्वाइन कर लेना लाइव सारे के सारे टॉप एजुकेटर की पूरी क्लासेस। मैं भी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी है जो कि अभी पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट GK अगर आपको पढ़नी है तो आप SSC कैटेगरी में मुझसे भी पढ़ सकते हैं। आपको ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, अपना गोल सेलेक्ट करना है, SSC, UPSC, IIT, CDS, 30+ एग्जाम में से कोई भी गोल लीजिए, प्लस में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन में 12 या 24 महीने पे, और यहाँ पे BHU 10 है जो कि आपको लगाना है, ठीक है। और EMI के थ्रू आप पे कर सकते हैं। सारे के सारे नए कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, और डेली सुबह 10 बजे और शाम में 6 बजे मेरी क्लास होती है, 2 स्पेशल क्लास, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और अगर आपका कोई फ्रेंड जॉब कर रहा है या फिर आप जॉब कर रहे हैं तो एक बच्चे की एजुकेशन में हेल्प जरूर करिएगा, 500 रुपये पर मंथ में एक बच्चों को अडॉप्ट करके हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से smileforallsociety.org की वेबसाइट पे जाके, ठीक है। आपको दोस्तों ये मैं आपको बता ही चुका हूँ BHU 10। चलिए आज का पहला सवाल, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े जुड़े देशों में से एक बनाने के लिए कनेक्टिंग ऑल इंडियंस नामक एक कार्यशाला का आयोजन किया है? कौन सी मिनिस्ट्री ने दोस्तों वर्कशॉप है जो कि जारी करी है कनेक्टिंग ऑल इंडियंस नाम से? तो ये किसके द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा दोस्तों ये किया गया है, एक वर्कशॉप है कनेक्टिंग ऑल इंडियंस, लार्जेस्ट कनेक्टेड कंट्रीज दोस्तों वर्ल्ड में इंडिया को बनाने को लेकर। पब्लिक और प्राइवेट स्टेक होल्डर जो है इसमें, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, ओके, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। एक रोड मैप बनाया जाएगा किस तरीके से इंटरनेट एक्सेस जो है अंडर डिजर्व्ड या अंडर जो लोग गांव में रहते हैं ना उनको भी अवेलेबल करवाया जाए। चलिए अंडर सर्व्ड, डिजर्व तो क्या बोलेंगे, अंडर सर्व्ड बोलेंगे, जो अंडर सर्व्ड लोग हैं उनको भी जो है अवेलेबल इंटरनेट करवाया जाए। शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सदानंद सोनोवाल 24 सितंबर को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर 3 परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे? शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर सबनंदा सोनोवाल ने दोस्तों इनॉग्रेट किया, फाउंडेशन स्टोन रखा किसका? न्यू मैंगलोर पोर्ट का दोस्तों, ठीक है। 3 प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पे इनॉग्रेट करे गए, शिपिंग और वाटरवे अभी सदानंदा सोनोवाल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये बात इंपॉर्टेंट है। 3 नए प्रोजेक्ट न्यू मैंगलुरु पोर्ट यानी कि कर्नाटक के अंदर है ना, ट्रक पार्किंग टर्मिनल है, मॉडिफिकेशन है US माल्या गेट का, और कई सारे और यहाँ पे डेवलपमेंट है जो कि किया गया। कर्नाटक का एकमात्र ऐसा पोर्ट है जहाँ पे जो कोची और गोवा के आइडली लोकेटेड है, ठीक है। चलिए आप देख सकते हैं दोस्तों कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं आसाम से, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं, 60 साल के हैं, बहुत सारे CM भी रह चुके हैं, यूथ अफेयर मिनिस्टर रह चुके हैं, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट, बहुत सारे मिनिस्ट्री इनके पास में है। भारत के प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने
23 सितंबर को कितने साल पूरे कर लिए हैं? जन आरोग्य योजना के बारे में बात करें जायज, तो आंसर हो जाएगा आपके 3 साल। इस योजना ने दोस्तों, जन आरोग्य योजना ने 3 साल जो कि कर लिए गए हैं पूरे इसके, ओके। और 2018 में इसको फैमिली एंड हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्रोग्राम है जो कि इसको बताया जाता है। 5 लाख एनुअली वल्नरेबल फैमिलीज को दिए जाते हैं, 10 करोड़ पुअर फैमिलीज को दोस्तों ये मदद है जो कि अवेलेबल करवाई गई है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने भारत के पशुधन क्षेत्र का समर्थन करने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, बताइए। आंसर यहां पे मैंने दे दिया आपको एक्चुअली के अंदर। हमारे अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी है ना, उन्होंने एमओयू साइन किया है दोस्तों बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ में, ओके, सपोर्ट करने के लिए इंडिया के लाइफ स्टॉक सेक्टर को, ठीक है गाइस, पशुपालन को सपोर्ट करने के लिए ये किया गया है। साथ में मिलकर दोस्तों क्या करेंगे, फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है जो कि उनको अवेलेबल करवाएंगे, ओके। आपको मालूम है हमारे यहाँ पे गाय बछड़े इन सब के जो अपने भेड़ बकरियाँ जो है उनकी हालत ख़राब है, तो उनको थोड़ा सा बेहतर ट्रीटमेंट मिले, इसलिए दोस्तों ऐसा किया गया है, ठीक है। चलिए, लॉकडाउन इफेक्ट जो है ये दोनों भी नहीं झेल पाए दंपत्ति। भारत ने 22 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहली भारत यूनाइटेड किंगडम काउंसिलर डायलॉग की मेजबानी करी। इन संवाद का अगला दौर डैश में आयोजित किया जाएगा, फर्स्ट इंडिया यूके काउंसिलर डायलॉग थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आंसर क्या हो जाएगा, ये दोस्तों 2022 के अंदर है जो कि अभी नेक्स्ट वाला करवाया जाएगा, ठीक है गाइस। इंडिया और यूके के बीच में डायलॉग है जो कि हुआ है एक्चुअली में। देखिए हम लोग उन्होंने दोस्तों 2030 तक का रोड मैप बना रहे हैं, यूके भी क्या यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है तो उसको भी एक सपोर्ट की जरूरत है, ओके। और हम उसको क्या कर रहे हैं कि हम लोग उसको एक एक्सेस अवेलेबल करवा रहे हैं बिजनेस के लिए, तो ये दोनों के लिए बेहतर है। तो हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डायलॉग लंदन में इसको करवाया जाएगा, स्टर्लिंग यहाँ पे करेंसी है, कैपिटल लंदन है, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है। निम्नलिखित में से किस राज्य के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास अभियान शुरू किया गया है? गांव के लोगों की आस और मनरेगा से विकास, ओके गाइज। चलिए ठीक है, तो ये जो कैंपेन लॉन्च किया गया है दोस्तों, ये कहां पर, हमारे झारखंड के अंदर इस कैंपेन की शुरुआत है जो कि करी गई है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इनिशिएट किया स्पेशल कैंपेन जिसका नाम है गरीबों की आस मनरेगा से विकास, ओके गाइज। स्लो प्रोग्राम है जो कि मनरेगा के अंदर जो चल रहा था उसको आगे बढ़ाने को लेकर, फास्ट करने को लेकर बोला गया है, ठीक है। 10% महिला एसटीएससी को भी इसमें एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। मनरेगा में 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट कंपलसरी होता है, 1 साल के अंदर एक अनस्किल्ड वर्क जो होता है ना किसी भी परिवार के लोगों को, ओके। 5000 मैनडेज वर्क है जो कि हर ग्राम पंचायत में अवेलेबल करवाया जाएगा, ठीक है गाइस। 2000 में झारखंड का फॉर्मेशन हुआ, हेमंत जी जो यहाँ पे सीएम है, रांची कैपिटल है, रमेश जी यहाँ पे गवर्नर है, ठीक है गाइस। चलिए, एडीबी ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान में कितने प्रतिशत की कटौती करी है? कितने प्रतिशत की कटौती है जो कि करी है एडीबी ने दोस्तों? इंडिया की ग्रोथ फोरकास्टिंग को कम कर दिया है और 10% कर दिया है। पहले इसने 11% का अनुमान है जो कि लगाया था। एडीबी के बारे में आपको मालूम है, 1968 में फॉर्मेशन हुआ, 66 कंट्रीज के मेंबर हैं और ऐसा कोवा इसके हेड है, मनीला इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, ठीक है गाइस। और इंडिया भी टॉप 5 के अंदर है अगर मैं यहाँ पे वोटिंग राइट्स के बारे में बात करूँ तो, ठीक है। 1966 में इसका फॉर्मेशन हुआ, 68 कंट्रीज हैं जो कि अवेलेबल है, और तो खैर इससे ज़्यादा तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नहीं। और वोटिंग पावर की बात करें तो ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पे दोस्तों वोटिंग पावर में है जापान, उसके बाद में है चाइना, उसके बाद में USA और उसके बाद में हम लोग इंडिया जो है ADB के अंदर 4th स्थान के ऊपर आते हैं। सॉरी, USA 2nd के ऊपर है, चाइना 3rd के ऊपर है, USA 2nd पे, जापान 1 पे और हम लोग 4th स्थान के ऊपर है। वोटिंग राइट्स जो हमारे पास अवेलेबल है वो कुछ 5.5% के आसपास अवेलेबल है, हमारे बाद में आता है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कनाडा एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने 7.5 के लिए बोला है, RBI ने 9.5 के लिए बोला है 2021-22 के लिए, ठीक है गाइज। ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसे बिल्डिंग है जो कि बना रखी है। असम सरकार ने निम्नलिखित में से किस जिले में चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? आंसर बताइए क्या होगा। चलिए, तो यहां पे एक चाय गांव में एक चाय पार्क है जो कि स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। आंसर हो जाएगा कामरूप, ठीक है गाइस। कामरूप
एक टी पार्क है जो कि स्थापित किया जा रहा है दोस्तों, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कामरूप डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आसाम गवर्नमेंट ने एक टी पार्क है जो कि कामरूप डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेटअप कर रहे हैं। रेल और पोर्ट कनेक्टिविटी होगी, कार्गो वेयर हाउस फैसिलिटीज होगी, है ना, ब्लेंडिंग व्लेंडिंग पैकिंग ये सारे के सारे एक ही जगह के ऊपर ही, ठीक है। चलिए ये बात ध्यान रखनी है। जगदीश जी गवर्नर है, हिमंता जी सीएम है, दिसपुर कैपिटल है। और अगर मैं रियलिटी की बात करूँ तो हमारे जो चाय बागान में जो लोग काम करते हैं ना, इनकी भी हालत अच्छी नहीं है यार। जैसे कि हमारे यहाँ पे किसानों की अच्छी नहीं है ना, वैसे टी गार्डन में जो काम करने वाले लोग हैं बहुत मेहनत करते हैं, है ना, लेकिन इनकी भी हालत अच्छी नहीं है। मतलब जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं देश में, जब उनकी हालत अच्छी नहीं होती तो काफ़ी बुरा लगता है दिल से। चलिए, BLS इंटरनेशनल सर्विस को सेलेक्ट किया गया है नेशनल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिसेंटली। ओके, तो ये दोस्तों कौन से बैंक के लिए, ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेशनल बिजनेस करस्पॉन्डेंट है जो कि BLS इंटरनेशनल सर्विस को सेलेक्ट किया गया है। समझ गए मेरी बात। ये अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल एरिया के अंदर सुविधाएं हैं जो कि अवेलेबल करवाएगी, बैंकिंग सपोर्ट है जो कि अवेलेबल करवाएगी। फिक्स डिपॉजिट करना, बैंक के FD करवाना, अकाउंट ओपन करना, KYC करवाना, ये सारी मदद करेगी। BLS 83 में फॉर्मेशन हुआ, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। SBI 55 में दिनेश कुमार चेयरपर्सन, मुंबई में हेडक्वार्टर। उससे पहले इंपीरियल बैंक था SBI, उससे पहले तीन बैंक हुआ करते थे, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, उनमें को मिलाकर 21 में इंपीरियल बना और उसके बाद में SBI बना 55 में। हाउसजेड ने देश भर में खेल प्रेमियों के बीच अपने ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे साइन किया है। हाउसजेड के बारे में बात करें दोस्तों तो आंसर हो जाएगा आपका सुरेश रैना, रैना है ना। तो हाउसजेड जंगली गेम्स ने दोस्तों यहाँ पे एक फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आपको मालूम है बहुत सारे चल रहे हैं अभी, तो रैना को ब्रांड एम्बेसडर है जो कि बनाया है, ठीक है गाइज। चलिए और ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में ऑनलाइन जुए या सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो ऑनलाइन दोस्तों जो गैम्बलिंग होती है, जो बेटिंग होती है, उसको बंद करने के लिए बोला है कर्नाटका सरकार के द्वारा। समझ गए मेरी बात। तो कर्नाटका के अंदर देखिए, जो ड्रीम इलेवन और ये सब जो है ना, पहले मैं गरीब था, अभी मैं कर्जदार हो गया हूँ ड्रीम इलेवन पे टीम बना के। तो एक्चुअली में जितने भी फैंटेसी स्पोर्ट्स वाले हैं, ये लोग क्यों बचे हुए हैं, एक्चुअली में ये भी गैम्बलिंग ही, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, ऑनलाइन गैम्बलिंग तो है ही, और क्या है, लेकिन ये लोग कैसे बचे हुए हैं, क्योंकि कंपनी बड़ी हो चुकी है, है ना, तो क्या तरीके निकाल लेते हैं। तो इन लोगों ने अपने आप को गेम ऑफ स्किल करार दिया हुआ है, स्किल का गेम तो कुछ है ही नहीं यार, मतलब बेवकूफ बनाने वाली बात है, समझ गए। तो गेम ऑफ स्किल बोल के ये लोग बचे हुए हैं, है ना। गेम ऑफ स्किल होता तो हमारे देश के जितने भी इंटेलिजेंट IITians, IIM, एम्स के जो बच्चे हैं वो सारे करोड़पति बन चुके होते, जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ती, दिमागदार बहुत सारे बैठे हैं। लेकिन ये गैम्बलिंग है, जैसे कि कैसीनो होता है ना, कैसीनो में कितना ही दिमाग लगा लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, पूरी दुनिया में कैसीनो के अंदर कितना इंटेलिजेंट, अगर आप आइंस्टीन को बिठा दो ना तो वो भी नहीं कर पाएगा कुछ भी वहाँ पे, उसकी भी किस्मत ही चलेगी वहाँ पे, वही वाली कहानी है। तो यहाँ पर भी वही कहानी है, लेकिन बच्चे में ठीक है, चलिए अच्छी बात है, नौकरियाँ तो मिल रही है एटलीस्ट लोगों को। चलिए आगे बात करें, कर्नाटक असेंबली की बात करें तो उन्होंने दोस्तों ये बिल है जो कि यहाँ पे अभी पास किया है। थावरचंद जी अभी गवर्नर है, बोम्बे साहब यहाँ पे CM बने हुए हैं, बेंगलुरु कैपिटल है, 75% लिटरेसी, 973 सक्सेस रेशियो, 225 विधानसभा, 28 लोकसभा, 12 राज्यसभा, 30 यहाँ की विधानसभा की सीटें हैं। वेरूपक्षा और विटाला टेम्पल जो है यहाँ पे अवेलेबल है, बहुत ही फेमस, और न्यू मैंगलुरु पोर्ट यहाँ पे, बंदीपुर, बेनरघट्टा, कुद्रमुख, नागरहोल, अंशी, ये सारे के सारे नेशनल पार्क है जो कि बहुत ही जरूरी है। उदुपी पावर प्लांट भी इंपॉर्टेंट है, कायगा जनरेटिंग स्टेशन दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, पावगढ़ा सोलर पार्क है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने 23 सितंबर को व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए वार्ता शुरू करी है। इंडिया और विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लॉन्च नेगोशिएशन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑन सितंबर 23। ओके गाइस, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो आपका आंसर हो जाएगा UAE, ठीक है गाइस। UAE और भारत के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जो कि यहाँ पे किया गया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक तरीके से दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट के अंदर दोस्तों छूट देंगे और 5 सालों के अंदर $100 बिलियन का गुड्स और $15 बिलियन का सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देंगे। UAE की बात करें, खलीफा बिन ज़ायद अल नाहयान UAE के प्रेसिडेंट है, अबू धाबी कैपिटल और दिरहम है जो कि करेंसी चलती है। WHO ने आलू में निम्नलिखित में से किस वर्ष के बाद पहली बार अपने वायु गुणवत्ता निर्देशकों को संशोधित किया है। तो WHO ने दोस्तों क्राइटेरिया और स्ट्रिक्ट कर दिए, पहले भी स्ट्रिक्ट थे अभी और स्ट्रिक्ट कर दिए, हमारे बस की बात पहले भी नहीं थी अभी तो बिल्कुल ही नहीं है। इन्होंने बोल दिया WHO ने कि जो PM2.5 होना चाहिए ना, वो पता है कि पहले तो बोलते थे 10 माइक्रोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अभी इसको 5 कर दिया है। हमारे यहाँ पे दोस्तों जो मिनिमम हमने जो क्राइटेरिया रखा हुआ है वो 40 का रखा हुआ है,
तो ये तो 8 गुना तो हमने ऑलरेडी ज्यादा बढ़ाया भाई, ये भी हमारा अचीव नहीं होता, हम लोग 100-150 पे पहुंच जाते हैं। ओके 2005 में इससे पहले 10 किया था इसने 2.5 का, अभी इसने इसको और स्ट्रिक करके 5 कर दिया है। ठीक है, हम लोग इनके फॉलो नहीं करते हैं। WHO की बात करें, 7th अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे 48 में फॉर्मेशन हुआ, टेड्रोस डायरेक्टर जनरल जेनेवा में हेडक्वार्टर। ठीक है, ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, PDF, ये सब आप ले सकते हैं, इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। आपको रेफरल कोड लगाना पड़ेगा BHU10 या फिर BHU10, 15% ऑफ मिल रहा है अभी आपको SSC क्राइटेरिया में। SSC के अंदर आपको प्राइसेस डाउन है, उसके अलावा 10% और ऑफ मिल जाएगा अगर आप BHU10 यूज करते हैं तो। ठीक है गाइस, क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे, हर साल 23 सितंबर को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज की थीम है दोस्तों, जो कि क्या है ये आपको बताना है। तो ये था आज का आपका सेशन, मिलते हैं वापस। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।